हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त मनमोहन स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार हम इस सेवन सेगमेंट क्लॉक में अलार्म और आरटीसी फंक्शन ऐड करेंगे ठीक है ये क्लॉक मैंने पिछले वीडियो में बनाना सिखाया था अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देख लीजिए ठीक है ये एक आर सर्किट है जो हम इस क्लॉक के साथ ऐड करने वाले हैं आर टी सर्किट हम इसमें ऐड करेंगे और आर में टाइम सेट करने के लिए एक आई रिमोट का यूज़ करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक आई सेंसर भी लगाया है प्रोजेक्ट अभी ये कंप्लीट नहीं है और इस वीडियो के एंड तक ये कम्प्लीट हो जाएगा इसमें हम अलार्म फंक्शन भी देंगे इसलिए कि ये बज़र इसमें लगाएंगे ये बज़र जो है जो भी टाइम सेट किया है ना उस टाइम पर ये बज़र बजेगा ठीक है साथ में हर घंटे में ये एक बार बीप की आवाज़ करेगा ठीक तो है तो चलिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ और इस वीडियो के एंड तक हम इतने फंक्शन ऐड कर देंगे देखिए नीचे जो ये डेट के जो सेवन सेगमेंट दिख रहे हैं ना अभी इनका कनेक्शन नहीं किया है ये मैं अगले वीडियो में करूँगा ठीक है डेट ऐड करना अगले वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको अलार्म ऐड करना सिखाऊंगा आर ऐड करना सिखाऊंगा ठीक है तो फिलहाल जो जितना कंप्लीट है ये प्रोजेक्ट उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर आर से चल रहा है ठीक है और रिमोट से हम इसमें देख सकते हैं देखिए यहाँ पर ऑफ ऑफ मतलब अलार्म ऑफ है ऑन करने के लिए ये वॉल्यूम अप का बटन है ये ए एल लिखा है मतलब अलार्म ऑन हो गया ठीक है अभी इसमें बज़र वगैरह बीप वगैरह नहीं लगाया है वीडियो के एंड तक कंप्लीट होगा पूरा प्रोजेक्ट आपको शुरू से एंड तक बताऊंगा ठीक है अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए उसमें इतना क्लॉक तो आप बनाना सीख जाएंगे उसके आगे का क्लॉक आज के इस वीडियो में बताऊँगा आपको ठीक है तो यहाँ पर देखिए हमने डेट सेट किया है फर्स्ट ऑफ दिसंबर ट्वेंटी वन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ओके यहाँ पर अगर डेट बढ़ानी है तो हम लेफ़्ट राइट right बटन जो है एरो कीज उनका यूज़ करेंगे और अगर मंथ अप डाउन करना है तो अप डाउन के बटन से हम मंथ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं ठीक है और डेफ़िनेटली ईयर भी इसमें सेट होगा ये जो टाइमिंग है इस रिमोट के थ्रू आर में सेट हो रही है अगर पावर ऑफ भी कर दिया तो वापस जैसे ही ऑन करेंगे जो करंट टाइम हमने डेट हम, हमारा है वो हमको आर के थ्रू यहाँ पर रिगेन होगा ओके okay? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डेट डाल रखा है और डेट में जैसे कि ईयर अप डाउन करना है तो देखिए यहाँ पे बटन दबाऊंगा ईयर ट्वेंटी टू कर दिया है ट्वेंटी थ्री कर सकते हैं अभी ये है यहाँ पर देखिए दो डिजिट में है पर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नीचे चार डिजिट में ईयर दो डिजिट में मंथ और दो डिजिट में डेट ठीक है तो वो नेक्स्ट अपडेट में आएगा इस वीडियो में मैं आपको अलार्म फंक्शन ऐड करना सिखाऊँगा और आर फंक्शन ऐड करना सिखाऊँगा इस क्लॉक में ठीक है तो केवल आर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज़रूर देख लेना ठीक है और अगले वीडियो में मैं आपको जैसा कि बता रहा हूँ यहाँ पर कि इस तरह के सेवन सेगमेंट जो होंगे अलग से ऐड करेंगे जी हाँ इस तरह के ये सेवन सेगमेंट जो है कितने डिजिट आप देख सकते हैं टू टू फोर और फोर एट एट डिजिट्स और ऐड करना सिखाऊंगा इसी में जिसमें डेडिकेटेड डेट आएगी और कुछ नहीं ठीक है तो इस क्लॉक प्रोजेक्ट को हम अपडेट करते रहेंगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर कर दो और हाँ ये प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं ठीक है ताकि वो फंक्शन भी मैं इस क्लॉक में ऐड कर दूँ तो चलिए देखिए पिछले वीडियो में हमने मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिक्स सेवन सेगमेंट डिजिट सीख लिया था ठीक है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पिन दी है आ, ये पूरे सिक्स डिजिट है यहाँ पर देखिए पिन नंबर टू थ्री यहाँ नीचे की ओर फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऊपर है ठीक है और यहाँ पर नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन हमने यहाँ पे जो बीच में डॉट है ना उसके लिए छोड़ दिया क्योंकि आर्डिनो में भी ऑन बोर्ड थर्टीन होती है एलईडी की फोटीन फिफ्टीन मतलब ए जीरो ए वन यूज़ कर लिए ठीक है ये हमारी आईसी है ये आईसी जो आर्डिनो के ऊपर लगी होती है ना एट मेगा थ्री टू एट ये वही आई है इसका पिन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखिए टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ पर नाइन टेन इलेवन टवेल्व और ये थर्टीन जहाँ पर एल जोड़ेंगे ठीक है ये फोटीन है ए जीरो जो है फोटीन है फिर ए फिफ्टीन सिक्सटीन इस तरह से चलता रहेगा ठीक है सेवनटीन एटीन नाइनटीन तक ओके ए फोर और ए फाइव जो है सेवन एटीन और नाइनटीन होगी ओके तो इस आईसी का यहाँ पे जरूरी था बताना क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ पे कितनी पिनस बाकी है उसके अकॉर्डिंग आगे का काम करेंगे देखिए ये हमारा आर टी सी आर टी सी में चार पिंस होती है एक ग्राउंड एक वी सी सी ग्राउंड को यहाँ आई सी के ग्राउंड से जोड़ देंगे और इसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देंगे ठीक है फिर वी सी सी वी सी सी पर हम फाइव वोल्ट जोड़ेंगे फाइव वोल्ट या थ्री पॉइंट सेवन वोल्ट जो भी हमारी बैटरी है उससे जोड़ सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखिए आप वी सी सी का दिया हुआ आई सी पर वहाँ जोड़ सकते हैं फिर ए फोर ए फोर जो एस डी ए का होता है मतलब पिन नंबर ट्वेंटी सेवन इस आई सी की ठीक है जिसे हम ए फोर कहते हैं और आर्डिनो की पिन नंबर no. जो है ये बन जाती है एटीन ओके और एच सी एल जो है लास्ट पिन ए फाइव पर जुड़ेगा उसके बाद हम आई आर रिसीवर लेंगे आई आर रिसीवर टाइम सेट करने के काम आएगा इस आर टी सी में तो इसके लिए देखिए जो होता है ना इसका जो राइट right मोस्ट टी एस ओ पी सत्रह अड़तीस है ना टी एस ओ पी वन सेवन थ्री एट इसका ये वाला पिन जो होता है पॉजिटिव सप्लाई का होता है सेंटर वाला ग्राउंड का होता है और इसका जो लेफ़्ट मोस्ट है वो इसका आउटपुट होगा अब आउटपुट जो है हमें इनपुट के रूप में देना है इस आई सी को तो इसको हम देंगे यहाँ पर ए टू जो है जिसे हम पिन नंबर सिक्सटीन भी कहते हैं ठीक है थीके? उसे देंगे तो यहाँ पर हम दे देते हैं ए टू मतलब पिन नंबर सिक्सटीन ओके पिन नंबर सिक्सटीन को हमने इससे इनपुट दे दिया है अब लेते हैं हम अपना स्पीकर बज़र ठीक है तो ये जो बज़र है ये बिप की साउंड करेगा और बिप 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 करेगा अलार्म पर ठीक है तो इसे कनेक्ट करना है इसके लिए डेफिनेटली हमारे पास केवल एक ही पिन बची है ए थ्री जिसे पिन नंबर सेवेंटीन भी कहा जा सकता है ठीक है तो देखिए इसमें दो पिन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव तो पॉजिटिव इसको डायरेक्टली दे देंगे और नेगेटिव हम देंगे एक ट्रांसिस्टर के थ्रू ओके कैसे मैं बताता हूँ एन पी एन ट्रांसिस्टर बी सी फाइव फोर सेवन हम यूज़ करेंगे ओके और स्पीकर को इस बज़र को फाइव वोल्ट डायरेक्टली देंगे और ग्राउंड देंगे हम ट्रांसिस्टर के एमिटर पे ठीक है और इसके बेस को हम आरडिनो के आई से जोड़ेंगे मतलब इस एट मेगा थ्री टू एट से जोड़ेंगे ए थ्री से ए थ्री से यहाँ जोड़ देंगे एक रेसिस्टर के थ्रू जोड़ेंगे हम है ना और जो कलेक्टर है उसे हम जोड़ देंगे अपने बज़र के नेगेटिव से ठीक है तो जैसे ही ए थ्री पर हाई आएगा तो ट्रांसिस्टर क्या करेगा ग्राउंड को पास करेगा इसके कलेक्टर पे जो कि पहुंचेगा इस बज़र पे और बज़र जो है बोलना शुरू कर देगा डेफिनेटली साउंड करना शुरू कर देगा ओके तो इतना ही सर्किट है आई होप समझ में आ गया होगा ठीक है इतना सर्किट मैंने यहाँ पर बना दिया है ठीक है ये बज़र और रिट्रांटर और ये सब भी एड कर दिया ठीक है अभी हम क्या करेंगे देखिए ये जो आईसी है आईसी का क्रिस्टल और पीएफ एफ ये रहे है और ये इसका आई आर रिसीवर है टी ओ सो पी सत्रह अड़तीस है ना सेवन सेवन थ्री एट और ये बजर हो गया बजर के पास ये ट्रांसिस्टर बी सी फाइव फोर सेवन इसको रजिस्टर के थ्रू ठीक है इसके बेस पे रेसिस्टर के थ्रू इस आई की ए थ्री को जोड़ना है ओके यहाँ पे देख सकते हैं बहुत मैशअप है बहुत सारे वायर्स जुड़े हुए हैं लेकिन अगर आप मेरा जो पिछला डायग्राम था उसको ठीक से कंसिडर करते हैं तो आप बना लेंगे आराम से ठीक है आर भी हमने कनेक्ट कर दिया है बहुत ही कम स्पेस में बहुत ज़्यादा वायरिंग हम कर चुके हैं ठीक है इसकी फैब्रिकेटेड पी किट भी मैं अवेलेबल करवा दूँगा बहुत जल्द ठीक है चलिए अब इस सर्किट में हम सॉफ्टवेयर अपलोड करेंगे आईसी में आरडिनो में ठीक है तो हम क्या करेंगे एक फोल्डर डाउनलोड करेंगे डाउ इसका डाउनलोड लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इससे आप मेरे ब्लॉग पर जाएंगे और वहाँ से फोल्डर डाउनलोड करेंगे इसके अंदर दो फाइल्स होगी एक तो होगी हमारी हैक्स फाइल जो हमें इसमें अपलोड करनी है हमारी आई में और दूसरा होगा हमारा आरडिनो बिल्डर जो एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम हैक्स फाइल को अपलोड करेंगे अपने आरडिनो उन्ो में ओके तो इस फाइल को जो आ, आ, हमारा ऑडिनो बिल्डर है ये एक जिप फाइल है तो इसे अनजिप करेंगे अनजिप करते एक फ़ोल्डर बन जाएगा ठीक है तो जो फोल्डर ये बन रहा है उस फोल्डर के अंदर ऑडिनो बिल्डर ये एक सी एक फाइल होगी उसे हम रन करवाएंगे ठीक है और दूसरी फ़ाइल हैक्स फाइल है जिसे ब्राउज करके हम इसे अपलोड करेंगे हमारे ऑडिनो उनो में और फिर इसके आई को लगाएंगे हम हमारे सर्किट में ओके तो देखिए जैसे हमने ओपन किया फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है इसलिए इट विल टेक टाइम ठीक है तो अपलोड होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी कुछ ऐसे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पर केवल तीन बटन से ठीक है यहाँ पे कॉम वाला बटन भी होना चाहिए आर्डोनो उन्हों चूज़ करके रखेंगे और यहाँ पे कॉम भी आएगा जिस कॉम पोर्ट पे वो हुआ है लेकिन अभी क्या है कि मैंने अपना आर्डोनो कनेक्ट नहीं किया है ठीक है तो इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ उसके लिए एक बार सॉफ्टवेयर को आपको बंद करना होगा ठीक है ये हमारी आई सी है एट मेगा थ्री जिसमें हम कोड अपलोड करने वाले हैं ठीक है तो इसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कंप्यूटर से जोड़ दिया है मैंने अभी ठीक है और सॉफ्टवेयर को एक बार बंद करके फिर से ओपन करना होगा तो ये मैंने यहाँ पे बंद कर दिया और फिर से आर्डोनो बिल्डर जो ये एक सी इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे इस बार जब ओपन करते हैं यहाँ पे कॉम्पोर्ट आ रहा है ठीक है इस कॉम्पोर्ट पर आर्डोनो ओनो हमारा कनेक्ट हो गया अब हमें इसमें कोड अपलोड करना है उसके लिए लोड स्केच या है फाइल तो यहाँ पे हम टैप करेंगे यहाँ टैप करके हमारे कंप्यूटर में जहाँ भी ये फोल्डर डाउनलोड हुआ था वहाँ से वो जो 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 हैक्स फाइल्स साथ में डाउनलोड हुई थी ना वो हमें यहाँ पे ब्राउज करनी है ओके तो यहाँ पे जैसे ही हमको ये फ़ाइल मिलती है इसको हम कलेक्ट करके ओपन करेंगे ठीक है तो जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं आप देखेंगे कि वो फाइल यहाँ नीचे आ जाएगी ठीक है सॉरी ये वापस से ओपन कर लिया मैंने इसको कैंसिल कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पर ये हैक्स फाइल आ गई है ठीक है वन वन मशीन लैंग्वेज लैंग्वेज होती है ये तो ये यहाँ पे ऐड हो गई है फाइल और अब हम यहाँ कॉम्पोर्ट पर सिंगल क्लिक करेंगे जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देखिएगा यहाँ आर्डोनो की जो है आया जो एल है इस तरह से ब्लिंक करिए टी एक्स आर एक्स मतलब कोड इसमें अपलोड हो रहा है और जैसे ही अपलोड हो जाता है यू विल फाइंड द मैसेज अपलोडिंग कम्प्लीटेड मतलब कोड इसमें अपलोड हो गया है कोड इसमें अपलोड होने के बाद आप खुद देख सकते हैं कि हमारा आर्डोनो की जो एल है वो एक एक सेकेंड में ब्लिंक कर रही है क्योंकि हमने पिन नंबर थर्टीन जो है वो किस लिए रखा था हमारी जो बीच की जो एल है ठीक है डॉट वो ब्लिंक करें इसलिए ठीक है तो ये भी उसी डॉट की स्पीड से ब्लिंक कर रही है ठीक है तो कोड इसमें अपलोड हो चुका है अब इस आईसी को यहाँ से निकालेंगे इस आईसी को यहाँ से निकाल कर हम इसे जोड़ेंगे हमारे सर्किट बोर्ड से जो हमने बनाया था अभी सेवन सेगमेंट वाला सिक्स डिजिट वाला ठीक है तो इस आईसी को मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ ये हमारा सर्किट है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इस सर्किट में मैं यहाँ पर जो है इस आईसी को ऐड कर देंगे इस तरह से तो इसको यहाँ पर लगाने के बाद अब आप देखेंगे हमारा सर्किट कंप्लीट है और इसको जैसे ही पावर देंगे तो हमें यहाँ पर जो है करंट टाइम जो आर में सेट है वो दिखाई देगा ठीक है आर इसमें पीछे लगा हुआ है पूरा सर्किट मेरे बना रखा है ये ओके को यहाँ बॉक्स में रख देते हैं ज़्यादा अच्छा दिखेगा ये और यहाँ पर हम ये रेड वाला पॉजिटिव और ये ब्लैक नेगेटिव ठीक है ये क्लॉक जो है देखिए एक और वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा जिसमें नीचे डेट भी डिस्प्ले करूँगा तो आप इस वीडियो सीरीज को फॉलो करते रहें और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं इसमें क्या नया फंक्शन चाहिए देखिए अभी लाइट्स ऑफ किया मैंने अभी ये टाइम बता रहा जो भी आर में सेट था सेवन सेवन ये टाइम बता रहा है ठीक है और सेकेंड जो है कंटिन्यूसली चल रहे हैं ओके अगर मैं ओके बटन दबाता हूँ तो ये अलार्म टाइम मोड पर आता है यहाँ पर मैं अलार्म सेट कर सकता हूँ जितनी बजे का अभी अलार्म सेट करूँगा उतनी बजे अलार्म बजेगा इसको मैं ऑफ़ कर सकता हूँ वॉल्यूम अप डाउन बटन से और अगर ए एल लिखा है मतलब अलार्म ऑन है और ऑफ़ के लिए ऑफ़ लिखा रहेगा एक और बार दबाता हूँ तो ट्वेंटी फोर आवर फॉर्मेट में आ जाएगा जिसमें अप डाउन बटन से जो है मैं मिनट्स चेंज कर सकता हूँ लेफ़्ट राइट से आवर चेंज कर सकता हूँ और वॉल्यूम अप डाउन से सेकेंड्स चेंज कर सकता हूँ देखिए मैं यहाँ पर चेंज करके बता रहा हूँ आपको ओके और इसके बाद अगर एक और बार ओके okay बटन दबाता हूँ तो मैं डेट फंक्शन में आऊँगा जहाँ पे मैं डेट को सेट कर सकता हूँ ठीक है तो अभी तो फिलहाल ये मैं ये देखिए यहाँ पे सेकंड्स भी सेट कर सकते हैं ठीक है एक बार ओके बटन दबाते हैं हम डेट फंक्शन में आ गए जो कि फर्स्ट ऑफ दिसंबर यहाँ बता रहा है इसको चेंज कर सकते हैं चेंज करना चाहे तो डेट के लिए लेफ़्ट राइट बटन है चेंज करने के लिए और अप डाउन बटन है मंथ को चेंज करने के लिए ये देखिए ओके और ईयर चेंज करना है तो डेफिनेटली वॉल्यूम अप डाउन ठीक है ये बटन डेडिकेटेड है मतलब पहले दो डिजिट जो है वो लेफ़्ट राइट right बटन से कंट्रोल हो रहे हैं बीच के दो डिजिट अप डाउन बटन से कंट्रोल हो रहे हैं और राइट right साइड के जो दो डिजिट से वो वॉल्यूम अप डाउन से कंट्रोल हो रहे हैं चलिए इतना ये कंप्लीट हो चुका है और अब इसमें अलार्म वगैरह कैसे चलता है वो मैं बताऊंगा आपके ठीक है अभी इसमें अलार्म हम सेट करते हैं जिस देखिए अभी यहाँ पर जैसे ही नौ बजेंगे अभी टाइम कितना हो रहा है यहाँ पे एट फिफ्टी नाइन जैसे ही नौ बजेंगे ये एक बिप की साउंड करेगा ओके तो हम वेट करते हैं अच्छा इसका कोड जो है आपको मेरे ब्लॉग पर मिलेगा और मेरे ब्लॉग पे एक बड़ा सा बटन है ग्रीन कलर का वो दबाएंगे वो दबाने के बाद नया पेज खुलेगा वहाँ पर एक टाइमर चलेगा ठीक है उस टाइमर को पूरा चलने देना है ठीक है उसके बाद ही आपको कोड डाउनलोड होगा और ये केवल कंप्यूटर में होगा मोबाइल में नहीं होगा पहले ही बोल देता हूँ कोड डाउनलोड होगा कंप्यूटर में अभी देखिए यहाँ टाइम हो चुका है और इस तरह की बीप हमको सुनाई देती है ठीक है तो जब भी मिनट्स जीरो ज़ीरो होंगे ना तब आपको ये बीप सुनाई देगी मतलब हर घंटे में आपको एक बार ये बीप सुनाई देगी ये अवरली बीप है ओके इसके अलावा इसमें डेफिनेटली हम जो है अलार्म भी फीड करेंगे अभी आपको बताऊँगा अलार्म की आवाज़ कैसे आएगी ठीक है तो यहाँ पर ओके में जाते हैं और अलार्म देखिए अलार्म ए एल मतलब अलार्म ऑन है कितने बजे का पाँच बज के तीन मिनट का तो मैं यहाँ पर जो है चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर तीन मिनट का रखते हैं लेकिन यहाँ पर जो है हम पाँच की जगह नौ बजा देते हैं तो अब नौ बज के तीन मिनट पर यह अलार्म बोलेगा अभी करंट टाइम में इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ठीक है नौ बज के एक मिनट मैंने करंट टाइम सेट कर दिया है चलो अब देखिएगा जैसे ही यहाँ पर नौ बज के तीन मिनट होंगे आपको जो है अलार्म सुनाई देगा और अलार्म कंटिन्यूसली बजता रहेगा इस प्रकार वापस अगर हमें कभी अलार्म ऑफ करना है तो यहाँ पर जो म्यूट बटन है वो दबाना है सॉरी एक ओ ब तो इस तरह से बटन दबाने पर ये वापस म्यूट बटन दबाने पर अलार्म म्यूट हो जाएगा ठीक है आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इसमें डेट भी ऐड करके बताऊंगा नीचे एक और लाइन होगी डेट की ठीक है तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा थैंक यू वेरी मच हैव अ गुड डे लव यू ऑल